जो स्वामी जी महाराज बताते हैं, शिलाजीत उनका वजन बढ़ाने का काम भी करता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, देखिए जब भी आपको कोई बीमारी है, आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है, आपको डायबिटीज है, आपको आपकी गर्म प्रकृति है, आपकी पित्त प्रकृति है, आप प्रेगनेंसी आपको है, आपको कोई भी बीमारी है, तो पूरे देश में 600 के 600 जिलों में पतंजलि चिकित्सालय है, जहां पर पतंजलि की ओर से या आपके आसपास आपको और दूसरे आयुर्वेद के, एलोपैथी के या हर्बल आपको डॉक्टर मिलेंगे। उन डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, अपना ट्रीटमेंट कभी भी खुद करने की कोशिश नहीं करें। इस वीडियो का उद्देश्य तो केवल इतना है कि हम शिलाजीत से आपका परिचय करवा दें, और शिलाजीत आप प्रयोग करें तो असली और नकली को आप पहचान पाएं, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर पाएं कि आपके लिए कितनी मात्रा की, कितनी क्वांटिटी की जरूरत है। तो शिलाजीत और क्या काम करता है, शिलाजीत काम करता है जिनको बांझपन है, जिनका स्पर्म काउंट कम है। तो एक रिसर्च की गई, जिस रिसर्च में जो मेल के अंदर, जो पुरुषों के अंदर जो बांझपन था, इनफर्टिलिटी थी, उनको लिया गया और उनको 2-3 महीने तक खाना खाने के बाद 2 बार शिलाजीत की खुराक दी गई। 3 महीने बाद यह देखा गया कि उनमें से 60% पुरुषों के स्पर्म काउंट में बढ़ोतरी हो गई, उनका बांझपन दूर हो गया। बीएचयू में 2012 में एक रिसर्च हुई, बीएचयू के आयुर्वेद के रस शास्त्र विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता जी ने शिलाजीत के ऊपर एक रिसर्च की। उन्होंने ये पाया कि शिलाजीत केवल यौन रोगों को दूर करने के लिए नहीं है, यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इससे डायबिटीज जैसी बीमारी के अंदर भी लाभ मिलता है। शिलाजीत के उन्होंने उन गुणों के ऊपर रिसर्च की जिसमें इंसान पूरी उम्र शुगर को कंट्रोल में रख सकता है, यह कैंसर और मूत्र के विकारों के अंदर भी उन्होंने लाभकारी पाया। तो ऐसी रिसर्च अल्जाइमर के ऊपर प्रयोग करने में शिलाजीत के ऊपर कुछ इनिशियल प्राइमरी रिसर्च हुई है और कुछ और रिसर्च होने वाली है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अल्जाइमर डिजीज ने एक स्टडी में बताया गया कि शिलाजीत का उपयोग उम्र बढ़ने के प्रोसेस को, देखिए हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी से लेकर जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं वो मरती रहती हैं और नई बनती रहती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो 2 दिन में मर जाती हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो 1-2 महीने के अंदर मर जाती हैं। तो हमारी सारी कोशिकाएं बनती रहती हैं और मरती रहती हैं। जब बच्चा छोटे बच्चे से जवान होता है तो कोशिकाएं बनती ज्यादा है, मरती कम है, तो शरीर बढ़ता है। 40 साल की उम्र के बाद, 35 साल की उम्र के बाद पोल्यूशन के कारण, स्ट्रेस ज्यादा लेने के कारण, तनाव के कारण, पोषण वाला भोजन ना करने के कारण, विटामिन की, खनिज की कमी के कारण क्या होता है, कोशिकाएं मरने ज्यादा लग जाती हैं और बनती कम है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर झुर्रियां पड़नी शुरू होंगी, हमारे बाल पकने शुरू हो जाएंगे, असमय पकने शुरू हो जाएंगे, शरीर बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा, हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं नेचुरल एजिंग प्रोसेस। ये यदि नेचुरल चले तो कोई बात नहीं है, उम्र समय के साथ बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम देखते हैं पोल्यूशन के कारण, जो जहर हम खाते हैं पीते हैं उसके कारण ये जो एजिंग का प्रोसेस है ये बहुत बढ़ गया है। फिर एजिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए एंटी एजिंग चीजों के लिए लोग स्किन के ऊपर कुछ लगाते हैं, कुछ खाने की कोशिश करते हैं, आर्टिफिशियल बाहर से विटामिन्स के कैप्सूल लेते हैं, तो वो कई बार कितने काम करते हैं मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इस शिलाजीत में ये पाया गया ये नेचुरली हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने का काम करता है। कॉग्निटिव डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में मदद करता है, और यह पाया गया है कि अल्जाइमर के ऊपर भी और रिसर्च हो रही है कि शिलाजीत उसमें लाभकारी हो सकता है, प्राइमरी लेवल के ऊपर उसको लाभकारी पाया गया। शिलाजीत किसको नहीं लेना इसकी भी हम बातचीत करेंगे, कितनी मात्रा में लेना है इसकी भी हम बातचीत करेंगे। शिलाजीत के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो एक TAU टाउ प्रोटीन होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर सूजन पैदा करने का काम करता है। इस शिलाजीत का जो एंटीऑक्सीडेंट है, शिलाजीत के अंदर जो तत्व होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो सूजन पैदा करने वाले प्रोटीन का बनना कम करते हैं, जिससे संभावित रूप से अल्जाइमर के लक्षणों में सुधार होता है। कई बार आपने देखा होगा जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग बॉडी वेट करते हैं, जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, वो करते क्या है कि वो जब वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करते हुए बहुत जल्दी थक जाते हैं। जब शिलाजीत का सेवन करते हैं तो शिलाजीत हमारे सेल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, जिससे हैवी वेट भी उठा सकते हैं। आज देखिए जिम के अंदर कोई युवा जाता है तो अपनी बॉडी बनाने के लिए वो जो प्रोटीन लेता है, स्टीरॉयड लेता है, वो जो डिब्बों के बंद होकर ये कहा जाता है उसको कि पूरे दिन कुछ खाने की आवश्यकता नहीं, केवल 2 चम्मच ही आप पी लो, प्रोटीन
शेक पी लो, प्रोटीन का पाउडर पी लो, केवल ये ले लीजिए। तो आज हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसके मसल्स तो बहुत हैं, लेकिन 32 साल का 34 साल का एक युवा जिम करते करते अचानक उसको हार्ट अटैक आया, अचानक वो मर गया। तो यदि वो उतना हेल्दी था तो वो मरा क्यों? तो जिम करते हुए भी यदि हम अपने नेचुरल चीजों का, मूसली का, अश्वगंधा का, हम शिलाजीत का डॉक्टर की सलाह से प्रयोग करेंगे तो हम अपनी बॉडी को भी ठीक से बना सकते हैं और अपने बॉडी के अंदर के सिस्टम को भी ठीक कर सकते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग जो कर रहे हैं वो जिम के अंदर अपने आप की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, हैवी वेट की वर्कआउट करने के लिए शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। 2012 में एक इथनो फार्माकोलॉजी जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें यह पाया गया कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के लक्षणों को कम करने में शिलाजीत काम करता है, हमारे सेल्स की थकान को कम करने में काम करता है। शिलाजीत की तासीर गर्म होती है, थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए जिनकी पित्त प्रकृति है वो डॉक्टर से एक बार चर्चा जरूर कर लें कि शिलाजीत को कितनी मात्रा में और किसके साथ लेना है। शिलाजीत को जब आयुर्वेदिक डॉक्टर अलग अलग चीजों के साथ मिलाकर बताता है तो उसकी चीजें बदल जाती हैं। हार्ट के लिए शिलाजीत को बड़ा अच्छा माना जाता है एक फूड सप्लीमेंट के रूप में। शिलाजीत को हार्ट के रोगियों के को जब दिया गया तो प्रयोगशाला में यह पाया गया कि जिन चूहों को शिलाजीत दिया गया था उनका कार्डिक प्रदर्शन अच्छा हो गया। इनफर्टिलिटी में यह काम करता है, हमारी बॉडी को जवान बनाता है, डायबिटीज में काम करता है, गठिया के लिए बहुत लाभदायक है ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से, जिनको जोड़ों का दर्द होता है, सूजन होता है, उनको लाभ मिलता है। पूज्य स्वामी जी और श्रद्धे आचार्य जी बार बार बताते हैं और पतंजलि के जितने वैद्य हैं वो जब जाते हैं तो वो अलग अलग तरीके से शिलाजीत के अलग अलग और अलग अलग प्रकार के गूगल के अलग अलग प्रयोग, आयुर्वेद के अलग अलग जो लाखों लोगों के ऊपर टेस्ट कर चुके ऐसी दवाई रोगी की कंडीशन को देखकर, उसकी अनुकूलता को देखकर, उसकी प्रकृति को देखकर वो वैद्य बताते हैं, यौन शक्ति बढ़ाते हैं, यौन रोगों को दूर करते हैं। जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल कम है, उसको ठीक करता है। पोली यूरिन की जिनको समस्या है, बहुमूत्र की, उसको ठीक करता है। मेमोरी को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एनीमिया जिनको है, क्योंकि शिलाजीत के अंदर जो 80 प्रकार के मिनरल्स हैं उसमें आयरन भी एक मेन है, इसलिए जिनका आयरन पहले से बढ़ा हुआ है या आयरन के कुछ और सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें, क्योंकि इसके अंदर आयरन की अच्छी मात्रा होती है, तो एनीमिया को दूर करने का काम करता है। जिनको स्वप्न दोष होता है उसको दूर करने का काम करता है, हार्ट को ठीक करता है, डिप्रेशन को दूर करने का काम करता है, बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करता है। जिनको मूत्र विकार है, यूरिनरी ट्रैक की जो बीमारियां हैं उसमें भी शिलाजीत लाभकारी देखा गया है। और तो और कुछ वैद्यों का तो यह मानना है कि कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए भी शिलाजीत काम करता है। और रिसर्च की जाए तो हम पाएंगे कि यूके यूएसए जो एलोपैथी की दवाएं खा रहे हैं वो गरीब देशों को तो एलोपैथी की दवाएं देंगे, लेकिन खुद वो शिलाजीत जैसे, गिलोय जैसे, अश्वगंधा जैसे, गोल्डन मिल्क के नाम से आप देखते होंगे, हल्दी जो हम पुराने जमाने से प्रयोग करते, आज यूके यूएसए के अंदर शिकागो के रेस्टोरेंट के अंदर टर्मरिक कॉफी के नाम से मेनू में जुड़ चुका है। गोल्डन मिल्क के नाम से दूध को, जो 40 रुपए लीटर का दूध है उसको 400 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। हल्दी के कर्क्यूमिन के कैप्सूल टैबलेट के रूप में दुनिया के लोगों ने खाने शुरू कर दिए हैं। तो पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर आ रही है, तो आगे जब शोध होगा तो पूरी दुनिया को हम ये शिलाजीत एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अश्वगंधा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मूसली, सतावर, तुलसी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। न्यूरोप्रोटेक्टिव इसके अंदर विशेष कैपेबिलिटी है और इस न्यूरोप्रोटेक्टिव कैपेबिलिटी के कारण ये दिमाग की बीमारियों को भी दूर करने के लिए बड़ा काम करता है। शिलाजीत कई प्रकार का है, मैंने आपको बताया कि शिलाजीत कैसे पाया जाता है, ये हमने आपको दिखाया है। ये शिलाजीत पत्थरों के रूप में आता है, ये ऐसे पत्थरों के रूप में शिलाजीत आता है। और ये जो ऐसे पत्थरों के रूप में जो शिलाजीत आता है, इन पत्थरों के अंदर देखिए बहुत सी गंदगी होती है, हैवी मेटल्स होते हैं, इनके अंदर रेत मिट्टी होता है। तो इसको प्रोसेस करने का पूरा एक तरीका रस तरंगिनी नाम के एक पुराने ग्रंथ में बताया गया है, और जो आयुर्वेद की रेपुटेड कंपनियां हैं वो शास्त्रीय उसी प्रयोग से इसको निकालती हैं। तो ये जो पत्थर हैं जिनके अंदर शिलाजीत है, इसको कुछ विशेष क्वाथ के साथ, औषधियों के साथ पानी में भिगोया जाता है। जब शिलाजीत पानी में पूरी तरह से, क्योंकि सोल्यूबल है, वो घुल जाता है, वे पानी के शिलाजीत को फिर गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उस शिलाजीत में जब केवल 20-30% नमी हो जाती है, जब वो गाढ़ा हो जाता है, 70% केवल प्योर
इसकी सॉलिड की क्वांटिटी रह जाती है, तो इस शिलाजीत को फिर पैक किया जाता है। कैप्सूल के रूप में शिलाजीत दिया जाता है तो उसको और ड्राई करके फिर कैप्सूल के रूप में दूसरी चीजों के साथ मिलाकर भरा जाता है। तो ये शिलाजीत के रूप में मैंने बातचीत की है। इस प्रकार से देखिए वो कैसे प्रोसेस किया जाता है, आप देखेंगे ये इंप्यूरिटीज नीचे भी होती हैं। और शिलाजीत को जब पानी में निकाल दिया जाता है तो गर्म करने के बाद, देखिए गर्म करने का भी एक तरीका है, शिलाजीत को यदि हमने डायरेक्ट हीट दे दी, कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी के कारण, लालच के कारण, पैसे जमाने के कारण क्या करते हैं, शिलाजीत थोड़ा लिया उसके अंदर तारकोल मिला देते हैं, चारकोल मिला दिया, कुछ भी कोई भी किसी भी प्रकार का आटे से लेकर कोई भी पाउडर मिला दिया जो पानी में घुल सकता है, अरारोट से लेकर, तो उससे क्या होगा उनकी कीमत बढ़ जाती है कि शिलाजीत महंगा बेचना है, कितने रुपए किलो बेचना है, 1,00,000 रुपए किलो बेचना है, 1,50,000 रुपए किलो बेचना है, 2,00,000 रुपए किलो बेचना है, तो उसके अंदर आधी भी मिलावट करते हैं तो उनको लगता है कि हमने अपनी कीमत को डबल कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए शिलाजीत बनाने का जो अच्छा तरीका है, शास्त्रीय तरीका है, वो क्या है कि शिलाजीत बनाने के लिए ऐसी विशेष जैकेट होती हैं जिसमें डायरेक्ट हीट नहीं लगती, बल्कि इनके अंदर स्टीम डाली जाती है और स्टीम डालकर इनको धीरे धीरे गर्म करना पड़ता है। जब हम इसको 100 डिग्री से ज्यादा जल्दी गर्म करते हैं तो होता क्या है, इसके अंदर जो 80 प्रकार के मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, या उनकी वो शरीर को नहीं लग पाते, वो लाभ नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसको बनाने का प्रोसेस है। एक बैच को बनाने के लिए लगभग 125 घंटे इसको धीमी आंच के ऊपर गर्म करना पड़ता है। मान लीजिए आप हिमालय में रहते हैं, हिमालय में आपने पत्थर ले लिया, पत्थर को निथार कर पानी में डालकर, क्वाथ में डालकर, औषधियों में डालकर आपने वो शिलाजीत का पानी बना लिया, तो पानी बनाने के बाद आपको 100 से 125 घंटे धीमी गति में उसको गर्म करना है और उसमें भी डायरेक्ट हीट नहीं लगे, डायरेक्ट गर्मी लगेगी, डायरेक्ट आग लगेगी तो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट नष्ट हो जाते हैं। अब बाजार में जो शिलाजीत मिलते हैं उनकी क्या स्थिति है, अब शिलाजीत निथार लिया, निथारने के बाद उसके अंदर ऊपर देखिए आपने पीछे देखा होगा उसके ऊपर भी जो लेयर आती है वो इंप्यूरिटीज की लेयर होती है। अगर बनाने के प्रोसेस में थोड़ी सी भी कमी हो तो ये देखिए ये जो लेयर है ना, ये काम की लेयर नहीं है, ये वो पदार्थ है जो निकालने हैं, जो बीच का शिलाजीत है ये असली शिलाजीत है, लेकिन इसके बनाने में यदि जरा सी भी चूक होगी तो होगा क्या कि वो जो इंप्यूरिटीज हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो इसके अंदर मिल जाती हैं। अभी देखिए शिलाजीत के बारे में हमने बातचीत कर ली, अब शिलाजीत के नुकसान क्या हैं? देखिए जो लोग लालच में शिलाजीत बनाते हैं, जल्दी फिल्टर कर लेते हैं, जल्दी उबाल देते हैं, या इसके अंदर मिलावट कर देते हैं, तो हैवी मेटल्स इसके अंदर रह जाती हैं, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीवाणु विषाणु पैदा हो सकते हैं इंप्यूरिटीज होने के बाद। इसके अंदर हैवी मेटल के साथ साथ इसके अंदर कोई कवक, कोई प्रदूषण या धूल मिट्टी या गंदगी रह सकती है। तो आप शिलाजीत लें तो आपको सुनिश्चित करना है कि आपको केवल उसी ब्रांड का शिलाजीत लेना है जो ब्रांड भरोसे के ऊपर खरा उतरे, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो, जिसका उद्देश्य सेवा करना हो। तो ये शिलाजीत देखिए, दूसरी कंपनियां शिलाजीत कितने रुपए का कितना बेचते हैं, मैं आपको कुछ रेट दिखाता हूं। अभी शिलाजीत की हम बात करें तो ये शिलाजीत देखिए, पतंजलि का 20 टैबलेट का शिलाजीत का ये कैप, शिलाजीत कैप्सूल के रूप में भी ले सकते हैं, हम लिक्विड के रूप में भी ले सकते हैं, लिक्विड सीधा हम एक चम्मच लें, इसको गर्म पानी में ले सकते हैं, खाली पेट लें तो विशेष लाभ करता है, इसको चाय के अंदर डाल सकते हैं, दूध के अंदर और शहद के अंदर सबसे अच्छा माना जाता है, रात को सोते समय इसको दूध के अंदर डाल सकते हैं, दूध के अंदर या पानी के अंदर इसको हम वैसे भी ले सकते हैं, तो चाय और कॉफी की जगह भी हम इसको ले सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं और रात को सोते हुए हम इसको ले सकते हैं। तो जो शिलाजीत कैप्सूल के रूप में अश्वगंधा के साथ भी आता है और बिना अश्वगंधा के भी आता है, तो पतंजलि जो उपलब्ध करवाती है वो 85 रुपए की 20 टैबलेट उपलब्ध करवाती है, लेकिन हम यदि बात करें तो वही कंपैरिजन में दूसरी कंपनियों का आपको 200 रुपए की 30 टैबलेट मिलेंगी, जो 305 रुपए जो महंगी है अगर हम कंपैरिजन करते हैं। तो ये देखिए, ये भी जो दूसरा एक ब्रांड से कंपैरिजन है वो भी इससे बहुत महंगा है कैप्सूल। ये देखिए अमेजन के ऊपर हमने पाया कि 7 ग्राम शिलाजीत का सत्य, जो पतंजलि का 20 ग्राम केवल 94 रुपए का है, ये 20 ग्राम शुद्ध शिलाजीत। और देखिए पतंजलि जो शिलाजीत बनाती है उसके पूरे लैब के टेस्ट करती है, सारे माइक्रोबियल टेस्ट के साथ साथ उसके अंदर फुल्विक एसिड कितना होता है, पतंजलि के सारे शिलाजीत में कम से कम 10% फुल्विक एसिड होता है, जो शास्त्रीय विधि से, जो हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का यह कहना है कि हमें उस विधि के साथ कोई समझौता नहीं करना है, वो जो रस तरंगणी में जो लिखा गया है केवल उसी आधार के ऊपर,
उसी आधार पर पतंजलि का शिलाजीत प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है। ये देखिए, ये जो रस तरंगिणी में जो विधि लिखी हुई है, ये सैकड़ों साल पुरानी आयुर्वेद की किताब है। उस किताब में जो शास्त्रीय विधि लिखी हुई है कि इस तरीके से हम इसको प्रोसेस करें, उसी तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है। यदि 125 घंटे इसको अगर हमें गर्म करना है तो 125 घंटे ही गर्म किया जाता है, उससे कम गर्म नहीं किया जाता। और टेम्परेचर से लेकर एक एक चीज का क्वालिटी कंट्रोल का बहुत गहराई से ध्यान रखा जाता है। अब हम रेट का कंपैरिजन करते हैं। देखिए, विदेशी कंपनी और विदेशी के साथ साथ दूसरी कंपनियां किस प्रकार से लूटने का काम करती हैं, आज हम उसकी बातचीत करते हैं। जैसे एक कंपनी है कार्माइन काउंट्री, ये प्योर हिमालय का शिलाजीत बेचने का दावा करते हैं। इनका 7 ग्राम 225 रुपए का है, ये 20 ग्राम केवल 94 रुपए का है। ये उपक्रम के नाम से कोई आयुर्वेद की कंपनी है, ये अमेजन से रेट लिए हुए हैं, आप भी चाहें तो गूगल कर सकते हैं। ये 799 रुपए का 30 ml शिलाजीत उपलब्ध करवा रही है। इसका मतलब इनके यदि हम 20 ml की बात करें तो लगभग 500 रुपए का हो गया। पतंजलि का केवल 94 रुपए का है, जो लगभग ये 500% महंगा है। ये देखिए, एक और ब्रांड है, उस ब्रांड के शिलाजीत की बात करें तो 10-20 ग्राम का कीमत 413 रुपए है, जो पतंजलि के 20 ग्राम की कीमत केवल 94 रुपए है। ये एक और ब्रांड है भारत का, उसके 15 ग्राम के पैक की कीमत लिख रहा है ये 1190 रुपए। 15 ग्राम 1190 रुपए, यहां 20 ग्राम 94 रुपए का है। और शुद्धता की 100% गारंटी है। जितने FSSAI के नियम हैं जो शिलाजीत के लिए बने हुए हैं, आप किसी भी लैब में सील बंद एक डिब्बी ले जाकर टेस्ट करवा सकते हैं, आप 100% खरे पाएंगे। मैं कल शिलाजीत बनाने के हम पतंजलि के प्लांट में गया, वहां पर मैंने खुद अपने आंखों से पूरा प्रोसेस देखा, उसके वीडियो लिए, उसकी फोटोग्राफ ली और लैब के अंदर जाकर लैब की रिपोर्ट भी खुद चेक की। ये देखिए, ये एक और कंपनी है एक्टिजीत के नाम से, इनका शिलाजीत 40 ग्राम शिलाजीत, ये 6450 रुपए का 40 ग्राम, मतलब 3225 रुपए का 20 ग्राम, ये पूज्य स्वामी जी महाराज केवल 94 रुपए का 20 ग्राम उपलब्ध करवाते हैं। और ये 100% शुद्ध है, इसकी पूज्य स्वामी जी महाराज खुद गारंटी लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि पतंजलि का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, पतंजलि का उद्देश्य चैरिटी और सेवा करना है। और देखिए, दवाई जब आप कोई प्रयोग करते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, अपनी मर्जी से कभी भी आपको अपना डॉक्टर नहीं बनना। पतंजलि ने देश के 600 के 600 जिलों में आयुर्वेद के डॉक्टर बिठाए हैं, जो आप जाएंगे तो निशुल्क आपको परामर्श देने का काम करेंगे, निशुल्क आपको देखने का काम करेंगे। तो शिलाजीत या कोई भी दवाई आपको कभी भी अपनी मर्जी से प्रयोग नहीं करनी है, एक बार डॉक्टर से डिस्कशन कर लें ताकि वो आपको सबसे अच्छा फार्मूला बता पाए। ये एक वाइजेक्सिज एक कंपनी है, इसका जो प्योर के नाम से 30 ग्राम शिलाजीत है, 2500 रुपए का है। और इसमें से आधी से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी है, जो केवल प्रीमियम ब्रांडिंग के नाम पर, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर हमारे आयुर्वेद को हमें ही हजारों गुना ज्यादा रेट के ऊपर बेचने का काम कर रही है, लूटने का काम कर रही है। तो ये मैंने आपके सामने कंपेरिजन रखा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं और वो कितना महंगा बताती हैं। तो हम यदि जैसे देखिए, अब एक ब्रांडेड कंपनी है टूथपेस्ट की, पूज्य स्वामी जी महाराज ने दंत कांति निकाली तो उसके अंदर 30 से या 50 से ज्यादा जड़ी बूटियां थी। तो वो जो कंपनी जो केवल केमिकल वाला पेस्ट बेचती थी भारत में पिछले 80 सालों से, जो पहले कहती थी कि टूथपेस्ट में नमक नहीं होना चाहिए, कोयला नहीं होना चाहिए, जिसने बाद में टूथपेस्ट में नमक भी डाला, कोयला भी डाला, उसने हर्बल टूथपेस्ट निकाला वेद शक्ति के नाम से, कि हम आप वेद दर्शन उपनिषद को मानने वाले हैं। उस वेद शक्ति में उन्होंने तुलसी को डाल दिया और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और पूज्य स्वामी जी और आपके घर में आपकी अनपढ़ मां बहन बेटी भी जानती है, अनपढ़ दादी नानी भी जानती है कि तुलसी को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी के अंदर मरकरी है और मरकरी हमारे दांत के एनेमल को, डायनोसार 200 करोड़ साल पहले हुए थे लेकिन डायनोसार के दांत आज भी मिलते हैं, तो दांत जो बहुत मजबूत है वो भी मरकरी खत्म कर देती है। तो ये वेद शक्ति में उन्होंने मरकरी डालना, मतलब तुलसी का पत्ता डालना शुरू कर दिया। अब तुलसी का पत्ता डाला तो नुकसान क्या होगा, उनको नहीं पता कि एनएमएल को खर्च करेगा, क्यों? क्योंकि उनको तो ब्रांडिंग करनी थी, केवल एडवर्टाइजमेंट करनी थी कि यदि हर्बल बिक रहा है, जड़ी बूटियां बिक रही हैं, तो हम भी कुछ भी घोट घाट कर मिला देंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी देश के साथ प्रेम नहीं करती, उनको प्रोसेस का भी नहीं पता, उनको संस्कृत भी नहीं आती और उनको यह भी नहीं पता कि महर्षि चरक सुश्रुत ने क्या कहा है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन नहीं बनता। उनका उद्देश्य केवल बेचना होता है। तो जो प्रोसेस करना ठीक से नहीं जानते, उनके शिलाजीत में महंगा तो बेचते ही बेचते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं,
उसके अंदर फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, उसके अंदर कवक हो सकता है और प्रदूषण हो सकता है। तो शिलाजीत किसको नहीं लेना, अभी हम बात करें लेना कितना है। यदि हम कितना लेना है इसकी बात करें तो आपको शिलाजीत की मात्रा, वैसे तो डॉक्टर से डिस्कशन करना है, लेकिन मैं सामान्य व्यक्ति की बात करूं तो सामान्य व्यक्तियों को डॉक्टर ये बताते हैं कि एक माचिस की तिल्ली के आगे एक सूखे हुए चने के दाने के बराबर शिलाजीत आप सुबह शाम ले सकते हैं। डॉक्टर आपको मिलीग्राम में इसकी मात्रा बता देगा। जिनको बीपी ब्लड प्रेशर कम है या जिनकी हाई बीपी चल रही है वो डॉक्टर की सलाह से शिलाजीत लें। जो दिल के मरीज हैं, जो हाइपरटेंशन वाले हैं, वो शिलाजीत को नहीं लें, डॉक्टर से बातचीत करें। शिलाजीत आपको लंबे समय तक फूड सप्लीमेंट के रूप में लेना है तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें। शिलाजीत की तासीर थोड़ी सी गर्म है, जिनकी गर्मी पहले से बढ़ी हुई है वो डॉक्टर की सलाह से ही इसको लें। शिलाजीत के प्रयोग के दौरान यदि मिर्च मसाले, मांस, मछली, खटाई, अंडे, शराब सेवन करते हैं तो शिलाजीत का लाभ नहीं मिलता, बल्कि गर्मी और बढ़ सकती है। शिलाजीत का सेवन करते हुए यह बताया जाता है कि जिनकी पित्त प्रकृति है वो भी आयुर्वेद के डॉक्टर से सलाह करके लें। जिनको बॉडी में रैश है या जिनका हार्ट रेट बढ़ रहा है या जिनको कोई रोग है तो वो शिलाजीत लेते हुए एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें। तो आज मल्टीनेशनल कंपनियों की लूट से बचाने के लिए एक अद्भुत आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में आपसे बातचीत की है। पतंजलि के ये प्रोडक्ट आपको आपके जिले के किसी भी शॉप से, किसी पतंजलि चिकित्सालय से मिल जाएंगे। और आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है तो आप किसी भी पतंजलि चिकित्सालय से जाकर निःशुल्क डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। वो डॉक्टर आपकी प्रकृति को देखकर, आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसको ट्रेंड करने का काम खुद पूज्य स्वामी जी और श्रद्धा आचार्य जी ने किया है, वो आपकी प्रकृति देखकर आपको आपके लायक उपचार बताने का काम करेगा। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और महामारियों से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए और राकेश भारत के नाम से जो फेसबुक पेज है उसको आप लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। देश दुनिया की, आयुर्वेद की, इम्यूनिटी की, भारतीय संस्कृति की, योग की, आयुर्वेद की, देशभक्ति की, क्रांतिकारियों की, स्वदेशी की, ऐसे ही कुछ बातचीत जो पूज्य स्वामी जी और श्रद्धा आचार्य जी ने हमें सिखाया है वो हम करते रहेंगे। और आपको योग आयुर्वेद के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो योग आयुर्वेद के विषय में आप रोज सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक आस्था टीवी पर पूज्य स्वामी जी और श्रद्धा आचार्य जी को देख सकते हैं। पूज्य आचार्य जी और श्रद्धा स्वामी जी महाराज का फेसबुक का पेज है, ट्विटर का अकाउंट है, यूट्यूब का अकाउंट है, उसको आप लाइक और फॉलो कर लीजिए। ये जो जानकारी अभी हमने डिस्कस की है ये तो आयुर्वेद के महासागर में एक बूंद के बराबर है। यदि आपने यूट्यूब चैनल पूज्य स्वामी जी महाराज को, श्रद्धा आचार्य जी को यूट्यूब पर, फेसबुक पर सुनना शुरू कर दिया तो आपको अद्भुत ज्ञान और अद्भुत जानकारी वहां पर मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।